आप ये देख सकते हैं ये तकरीबन 250 ग्राम है, यानी 250 ग्राम एक पाव। ये राजमा मैंने ओवरनाइट भिगा के रखा है, आप ये देख सकते हैं। ये बहुत ही सख्त होते हैं, आप इसे पकाने से पहले ओवरनाइट सोक कर लें। और अब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले कुकर लेंगे, ये देखें कुकर ले लिया और इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वो कुकर के अंदर सभी को ऐड कर लेंगे। और इसमें डालेंगे पानी, पानी राजमा के 2 इंच ऊपर होना चाहिए, आप इतना पानी डालें। आप इसे इस तरह से सेट कर लें और इसमें इतना पानी डालें कि इसमें 2 इंच ऊपर हो जाए। और उसके बाद इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, बाद में मैं इसमें मसाले में नमक डालूँगी। और इसे 5 सीटी यानी 5 विसल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो चलिए उसका ढक्कन हम करते हैं बंद और 5 सीटी आने तक मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने 5 सीटी लगा लिया, इसका प्रेशर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मतलब रिलीव हो चुका है। अब मैं इसे खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और देख लेते हैं इसका क्या पोजीशन है। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो गया, हमें इसी तरीके का चाहिए, ऐसे दबाएँ और ये गल जाए। तो चलिए बाकी हमें और क्या चीज़ें चाहिए तो चलिए बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ले ली है और इसे मैंने गर्म कर लिया। अब इसमें डालेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं शामिल करेंगे ज़ीरा, हल्का सा ये चटक जाएंगे तो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 23 पत्ते 2-3 डाल देंगे। और ये कुछ सामान प्याज है, मीडियम साइज का बड़ा प्याज है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और ये 6 हरी मिर्च है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस प्याज का कच्चापन निकल जाए इतना इसे हम पका लेंगे। तो चलिए आपसे 2 मिनट में मिलती हूँ। हमारा प्याज हो चुका है, हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये खाने का सिंचर से 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक दोनों मिक्स कर देंगे। लहसुन को इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये हो चुका, अब इसके अंदर शामिल करेंगे, ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और ये हरी मिर्च, ऐसे कर देंगे मिक्स। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, नमक मैंने राजमे में भी ऐड किया इसलिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे, ढक कर पकाएंगे। हमारा टमाटर और प्याज बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल स्मूथ बन जाए, तब तक हम इसे ढक कर पका लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चले इसे खोल के देख लेते हैं।
हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गोल मिर्च पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे भून लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब हम इसे कवर करके अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो 5 मिनट में मिलते हैं आपसे। तो 5 मिनट हो चुका है, अब इसे खोल के देखते हैं। तो ये देखो, मैं अच्छी तरीके से मसाला भुन चुका है, ऑयल भी छोड़ चुका है। तो 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से पेस्ट बन चुका है इसके अंदर। ना प्याज का पता है ना टमाटर का पता है, मुझे पेस्ट ही बनाना था। आप चाहे तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला बेटर लगता है ज़्यादा। तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, मेरे स्टाइल में बनाए। और फिर कमेंट करें ज़रूर कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट ज़रूर करें। तो ये बिल्कुल रेडी है हमारा। अब इसके अंदर हम राजमा ऐड करेंगे। ये राजमा जो मैंने अभी बॉईल किया था, मैंने इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है, इसलिए क्योंकि मुझे मैश किया हुआ ज़्यादा पसंद है। इसलिए आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं, और मैंने इसे मैश कर लिया। और इसे सारे राजमे को मसाले के अंदर ऐड करेंगे। और इसे 2 मिनट तक मसालों में भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसे कवर कर देंगे, ऐसा बॉयल आने तक वेट करेंगे। अब इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, इसका वेट करेंगे बॉयल आने का। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, खोल के देख लेना, नहीं तो ये हमारा नीचे से जल जाएगा राजमा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो मैंने कुकर में ही पानी ले लिया, आपको जितना ज़रूरत हो आप अपने हिसाब से कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा ग्रेवी वाला बना रही हूँ क्योंकि मैं चावलों के साथ खाऊंगी, इसलिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ज़्यादा पतला खाना चाहेंगे या ज़्यादा गाढ़ा खाना चाहेंगे। आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से पानी इसके अंदर डाल दें। अब इस स्टेज पर आके आप नमक मिर्च चेक कर लें, अगर आपको लगे कि नमक की ज़रूरत है तो उसमें नमक ऐड करें, लगे नहीं है तो ना डालें। पर मुझे लग रहा है कि नमक की ज़रूरत है, कम है, तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक। और इसे कर देंगे मिक्स, इसे बॉयल होने के लिए वेट करेंगे। इसी तरीके से ये बॉयल हो जाए उसके बाद देखते हैं। तो हमारा 5 मिनट हो चुका है, इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इस स्टेज पे हम चूल्हा कर देंगे ऑफ। तो चलिए इसे ऑफ करते हैं और सॉफ्ट करके मिलते हैं आपसे। तो आप ये देख सकते हैं, तो
तो आप ये देख सकते हैं मेरा राजमा बनके बिल्कुल रेडी है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही जल्दी झटपट बन चुका है। आप देख सकते हैं हमारे एक एक दाने बिल्कुल गल के खिल चुके हैं। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसे थोड़ा मैश कर दिया है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों फैमिली को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ।